हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में बात करूँगी आप प्रेगनेंसी में वो 5 टिप्स ज़रूर फॉलो करें जिससे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो। ये 5 टिप्स जो मैं बात करूँगी वो मैंने खुद फॉलो किए थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला टिप्स है वॉक। वॉक करना, आप जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हो, चाहे वो सेकेंड मंथ में पता चले चाहे थर्ड मंथ में, आप स्टार्ट कर दीजिए वॉक करना। ये वॉक करना आपको डायरेक्ट आधा घंटा डायरेक्ट नहीं करना है, आपको थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है। थोड़ा थोड़ा मतलब पहले 5-10 मिनट, फिर 20 मिनट, ऐसे करते करते समय बढ़ाना है। मतलब मिनिमम से मिनिमम वॉक आपका 30 से 45 मिनट तक के बीच का वॉक होना चाहिए, और ये वॉक आपको लास्ट मंथ तक करना है जब तक कि आपकी डिलीवरी ना हो। सेकेंड पॉइंट है इम्यूनिटिक फ्लूइड। इम्यूनिटिक फ्लूइड का सफिशेंट रूप में होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये पॉसिबल है नॉर्मल डिलीवरी। क्योंकि अगर आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड कम रहेगा तो बेबी अच्छे से मूव नहीं कर पाएगा, मोशन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसका हेड नीचे की ओर नहीं आ पाएगा। इसके लिए क्या करना है जिससे आपका इम्यूनिटिक फ्लूइड भरपूर हो, सफिशेंट हो, उसके लिए आपकी बॉडी हाइड्रेटेड होनी चाहिए। मतलब आपको पानी सफिशेंट रूप में पानी पीना चाहिए, पानी की कमी ना हो। कभी कभी केस में क्या होता है, इम्यूनिटिक फ्लूइड बहुत ही कम होता है जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। थर्ड पॉइंट है कर्विक्स ओपन। अगर आपका कर्विक्स ओपन नहीं होगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना है जिससे आपका कर्विक्स ओपन हो जाए 8 या 9 मंथ में, इसके लिए सीधी सी बात है, बच्चे का जो सिर है वो आपके कर्विक्स साइड हो जाना चाहिए। जब बच्चे का सिर आपके कर्विक्स साइड होगा तो उसका सिर से उस कर्विक्स पे प्रेशर पड़ेगा जिससे कर्विक्स ओपन हो जाएगा। ये तभी पॉसिबल है जब आप वॉक करेंगे। फोर्थ टिप्स है घी। घी का सेवन आप थर्ड ट्रिमेस्टर से शुरू कर दें, 7, 8, 9, जिससे क्या होता है घी खाने से कम दिन भर में 2 चम्मच घी लें, और स्टार्टिंग के टाइम इतना घी नहीं खाना है जितना आपको 7, 8, 9 मंथ में लेना है। अपने दाल या दूध के साथ घी 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम डेली लीजिए। इससे क्या होता है बेबी ड्यूरिंग डिलीवरी आराम से नीचे खिसक सकता है। पांचवा टिप्स है ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग एक्सरसाइज इसलिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी, माँ को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम ना हो। अगर माँ को ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होगी तो बेबी को भी ब्रीथिंग की प्रॉब्लम होगी, उस दौरान उसको स्ट्रेंथ चाहिए होता है। स्ट्रेंथ तभी मिलेगी जब उसकी ब्रीथिंग एक्सरसाइज अच्छी रहेगी, उसका स्टेमिना बड़ा रहेगा, इससे वो दर्द बर्दाश्त कर लेगी और नॉर्मल डिलीवरी जल्दी हो जाएगी। आई होप ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे आपको 99% चांसेस है कि आपको नॉर्मल डिलीवरी हो। ये 5 कंडीशन अगर आपकी होगी तो पक्का नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू।